सो हियर वी गो एट गोवा एयरपोर्ट राइट नाउ. और ये ऐसा दिखता है यार, डेबोलिम एयरपोर्ट जो है 45 किलोमीटर से अंजुना से. मैं एक्चुअली किसी को ड्रॉप करने आया था, तो इस तरह का है, आप फेमिलियर होंगे. बाकी अच्छा रोड है, मस्त रूट है. 45 किलोमीटर से अप्रोक्स आपको 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे. और यहाँ पे जो टैक्सी चार्जेस है, कैब चार्जेस, वो 1300-1400 वन वे आपको मिलेंगे. ठीक है, तो ये है. बाकी मैंने किसको ड्रॉप कर दिया है, बाकी मैं अब वापस जा रहा हूँ अंजुना. और दिस इज़ डेबोलिम एयरपोर्ट, तो ये भी अपना कवर हो गया. ठीक है, सो अच्छी खासी भीड़ है, मस्त है, टूरिस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं. तो मिलते हैं, वापस मैं चलता हूँ, रास्ते का भी आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें. बाय बाय. दिस इज़ द रूट ऑफ डेबोलिम एयरपोर्ट टू पंजी, वास्को रोड और अंजुना, कलंगुट, बागा. ठीक है, अब एक चीज़ और बताता हूँ कि ये पीछे आपको स्टेडियम दिख रहा है, ये इंटरनेशनल स्टेडियम है फुटबॉल वाला, जो गोवा का इंटरनेशनल स्टेडियम है वो ये है. ठीक है, बहुत बढ़िया लुक आ रहा है यहाँ से. हालांकि वो नीचे की साइड अपन पुल के ऊपर है, तो मैं पूरा नहीं दिखा सकता आपको. ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट देनी है कि आप जब भी गोवा आ रहे हो, और अगर टू व्हीलर से आ रहे हो तो, और या आप टू व्हीलर आप रेंट पे ले रहे हो, तो हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट रहना चाहिए आपके पास. ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग है. इसी रूट की नहीं बोल रहा हूँ मैं, डेबोलिम एयरपोर्ट से अंजुना की, हर जगह गोवा में हेलमेट और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, ये दो चीज़ आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए. अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या हेलमेट आपके पास नहीं है, तो 2000 रुपीज़ चालान है, और वो नहीं सुनते हैं. ये मैंने बहुत सारों को देखा है. हालांकि अपन तो हमेशा पूरी कंप्लीट होके चलते हैं. ठीक है, हेलमेट है अपने पास, और वही अपने को राइड वाला सबको मैसेज देना है. तो सेफ्टी से रहो, सेफ्टी से राइड करो. और वही है कि हमेशा गोवा में आ रहे हो, याद रखना, रेंट पे भी अगर आपने लिए स्कूटी वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट और हेलमेट मस्ट, ये दो चीज़ें रखो और बेहतरीन घूमो. बाकी चल रहे हैं अपन, और यहाँ से कुछ अपना 25 किलोमीटर वो बचा है अंजुना हॉस्टल. ठीक है, तो चलते हैं, और ये आपको मैंने स्टेडियम का दिखा दिया. बाकी आगे कुछ आता है तो मैं बताता हूँ.